अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग लव रेंज स्कर्दू। आज हमारा आखिरी दिन है स्कर्दू का। आज हमने जाना है शंग्रीला रिजोर्ट, उसके बाद जाना है अपर कचोरा लेक। अब हम जा रहे हैं फिलहाल होटल में नाश्ता करने के लिए। वही रास्ता है कल वाला, परसों वाला, सेम रास्ते तो वही सारे रास्ते तो वही है भाई, लेकिन मंजिल डिफरेंट है भाई। अखबानी वाला भाई, अखबानी में और हाथ लोशन का है, और लोशन अखबानी मिक्स हो गई यार, तो मैं तो बैठ जाएगा। तो हम जा रहे हैं नाश्ता करने होटल में। आज देखो पता नहीं क्या मिलेगा नाश्ता, नाश्ता इतना खास नहीं है यहाँ का, महंगा बहुत है। रात के दाल चावल ठीक थे यार, यार जो बिरयानी खाई थी ना उसका क्या ही लेवल था यार। हाँ बिरयानी खाई थी किचन से शहर के अंदर, याद आ गई। तो ये होटल के करीब आ गए हैं, वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हमारी, ये होटल है। लो जी हम निकले हैं शंग्रीला रिजोर्ट के लिए, तो गाड़ी फिर हो गई है पंचर, गाड़ी पंचर हो गई है जी। खवारी गाड़ी फिर पंचर हो गई है। की यार की रोला है, कोई गल की रोला यार करें भाई, हमारी किस्मत ही ऐसी है। चलो हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह, फिर शंग्रीला रिजोर्ट जाना हमें। लो जी हम पॉइंट पे पहुंच गए हैं, पहले हाईएस्ट जाने देते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब जाने देते हैं। आज हम पैदल मशक्कत करेंगे भाई, ऐसे भाई आज फुल जान लगानी है, पैदल जाना पड़ेगा। 10 मिनट का रास्ता है, हाइकिंग है, 25 मिनट का रास्ता है, 25 मिनट वो 10 मिनट कह रहा है भाई। वो चढ़ते हैं जैसे हम पंजाब में चढ़ते हैं, 5 मिनट का कह के आधे घंटे में जाते हैं, ऐसा वही जाती है। कोई बात नहीं, हमें सही गाइड करना है क्योंकि हमारे व्यूअर्स हमें सबसे अच्छे लगते हैं। हाइकिंग पे जा रहे हैं, हाइकिंग पे छोटी गाड़ी जान दें, छोटी गाड़ियों की इजाजत है क्योंकि रोड छोटा है तो गुजरने में लांगने टापने में मुश्किल होती है। दोस्त नहीं जा सकती क्योंकि रोड छोटा है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, रश पर रश रश चल जाता है। जैसे हमारे पाकिस्तान की बहुत मशहूर है नील गाय। आप जो लोग देख रहे हैं वो ना देखे आप प्लीज। आप कल फाइनल ले रहा भाई जान, क्या कर रहे हैं भाई, रंगीनियत बर्दाश्त करनी पड़ती है हमें भी। यहाँ से कितना दूर है, कितना दूर है भाई शंग्रीला? नजदीक। शुक्रिया अंकल जी, भाई जान देखे यार अल्लाह की कैसी कुदरत है, ऊपर ग्रीन होटल देखे, वो देखे कचोरा, वो ऊपर बर्फ है और नीचे गर्मी है, नीचे गर्मी है, हमारे किस्मत में गर्मी लिखी है इंशाल्लाह। अब हम शंग्रीला पहुंचने में सिर्फ 5-10 मिनट लगे हैं अभी हैं, पर बहुत ही खूबसूरत व्यू है इधर का भाई। ऐसे मैं देखो सामने आबादी है, ये गांव के, हाँ छोटा सा गांव है, बड़ा प्यारा प्यारा गांव बने इधर, कितना रह गया यार। ऐसे भाई तकरीबन जितना चल लिया उस जगह पर चलना, और कोई बात चल लेंगे, अब पहुँच गए। हाँ जी आ गए हम शंग्रीला, वो सामने भाई अब 1000 रुपये देने हैं बस इसकी टिकट से, भाई दुखता है 1000, मुझे बहुत दुखता है, टिकट लेनी है। सारे आ रहे हैं पीछे इकट्ठे हो गए, लेंगे अंदर एंटर होंगे, शाम में खड़े होंगे। टिकटें मिल गई हैं, टिकटें दे दो भाई, मेरी एक टिकट दे दो, मैं तो भाई लेके जा रहा हूँ। रिजोर्ट की टिकट ले ली है, इंजॉय करने जा रहे हैं, 1000 रुपये की टिकट मिली है, टिकट दिखा भाई। मछलियों का फार्म, मछलियों का फार्म है इधर ऊपर। नमस्कार भाई कैसे हो? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सही एंजॉय हो रहा है इधर? बहुत एंजॉय हो रहा है। अच्छा भाई टिकट ले ली, ये चेक कर लो भाई, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। लो जी मेन एंट्रेंस आ गई, इधर पहाड़ है ये ज्यादा भाई, गैंग बैंग भैया।
हैवी सीन्स शंगरीला रिजोर्ट बड़ा खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा भाई, बहुत। ये मछलियाँ शायद आपको नजर आए, ये छोटी छोटी मछलियाँ, यहाँ से आप पकड़ के पकवा के खा भी सकते हैं। अच्छा मेरा जहाज ये रेस्टोरेंट लग रहा है छोटा। गली आ गई भाई, ठंडी गली। ठंडी गली तो मेरी यूनिवर्सिटी में है जहाँ वो सारे जाते हैं। हाँ, एंजॉय करने जाते हैं भाई, समझा करो। ये हमारे गाइड अदील भाई, अदील भाई क्या टूर है, हैंडसम लग रहे हैं भाई। गैग्डिंग है अदील भाई, एंजॉय कराओ थोड़ा सा। सबसे खूबसूरत व्यू इधर का ये, आगे आगे नहीं मिलेगा। हाँ जी, एरोप्लेन के अंदर आ रहे हैं। हाँ भाई, अंदर की क्या है सामने तो नहीं, क्या है अंदर, क्या है अंदर, टेबल है। ओह व्हाट इज दिस बॉय, ये खाली एरोप्लेन है, धान जा उसका लकड़ी का बना है। ऐसे भैया पीछे हो जाओ, पीछे हो गए भाई, ये तस्वीर फोटो शूट हो रहा है भाई। हाँ जी, एंजॉय हो रहा है, सब लोग पिक्चर खींच रहे हैं। ये वकार भाई हैं, हम आए हैं, हम आए पावन से, ये लोग कराची से, कराची से, कराची से। ये इब्राहिम भाई है, ये वकार भाई है, यार प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब, टूम टूम बजाना मत दीजिएगा। सबसे पहले आपने करना है, अगर आप करेंगे तो करेंगे। तो जी, सैर सपाटे और खाने पीने के बाद हम शंगरीला से मूव ऑन करने लगे हैं। लास्ट व्यू देख लें शंगरीला का, तो देख ले। अगर आप जा रहे हो, बहुत ही खूबसूरत व्यू पीछे का देख ले, सारा व्यू साफ है। हाँ यार, वैसे मजा आया है, मजा आएगा, मुझे मजा नहीं आया। गुल्लू भाई मजा आया कि नहीं, हवारी है भाई। नहीं यार, व्यू तो अच्छा है यार, व्यू अच्छा है, मगर आई लव रूम का यार, मजा आ गया। ए पेप्सी कितने की इधर, ओए 350 की, 350 की पेप्सी है, 500 का मिनरल वाटर बोतल। आई लव स्कर्टू भाई, स्कर्टू मजा आया भाई, हुंजा चलो यार, बस हुंजा चलो हुंदा चलो हुंदा चलो 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 हुंदा चलो हुंदा चलो। शंगरीला रिजोर्ट से भाई आ रहे हैं गाड़ी की तरफ, बैठे कितने खड़े हो गए सर। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको शंगरीला रिजोर्ट आप विजिट करके आए हैं, तो आपको कैसा लगा जी सर से पूछे? बड़ा ही बस, हजार रुपए भी दिया, इंटरव्यू लेना है तो बहुत बोर सही तरह। बिलाल तू किधर रुक गया सी भाई, तो मेरे साथ मैं तो नॉन स्टॉप आया पर यार निशान की धाके हैं, गाड़ी स्टार्ट करी आ गुल्लू, चलिए भाई करते हैं, अभी अभी करते हैं, राणा साहब आ गए, ठीक है। अब अपना हुंदा दसे है, फिर जलाला, फिर गाड़ी खराब हो गई है, हीटअप हो गई है। ये सेलिब्रिटी जनैर कंबो से मिले हमें, जनैर कंबो हाँ, जब पूछे क्या बना बनना क्या यार, देख रहा हूँ गाड़ी खराब हो गई भाई, क्या रिव्यू है भाई गाड़ी के बारे में यार, इतनी कोई बकवास, इतनी घटिया सर्विस है ना, आपकी सोच है। ये मैंने रिकमेंड किया था अपने दोस्तों को, अब मैं इसलिए लूट रहा हूँ दोस्तों का भाई, बहुत ही घटिया टाइम बढ़ गया था, बहुत ही बीच पहाड़ों के बीच खड़े हैं, अल्लाह ना करे टाइम साइड हो जाए फिर क्या बनेगा। चलो गंबू भाई खड़े हैं जी, रात को हम तकरीबन 4 बजे हुंदा पहुंचे हैं, क्योंकि गाड़ी हमारी खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा हुई है, क्यों बताओ भाई? जी ऐसे ही है भाई जान, वहाँ 5-6 घंटे हमने इंतजार किया है, और वहाँ भाई लैंड स्लाइडिंग हुई थी, उसका नाम था दामुशा, और वहाँ हमें जैर कम्बोसा मिले, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, उन्होंने हमें खाने के लिए चीज़ें दी, और जब तक वो गाड़ी नहीं आई जब तक खड़े रहे हमारे साथ। लेकिन यार हमारे जो टूर गाइडर हैं उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा की है, एक दफ़ा गाड़ी खराब होती है, दो मर्त होती है, तीन मर्त वैसे नहीं होता, तीन दफ़ा हमारी गाड़ी खराब हुई है। एडवेंचर हंटर के साथ कभी मत आना, जो एक दफ़ा गाड़ी खराब हुए ना तो इनको पता लगना चाहिए, गाड़ी चेंज कर लेनी चाहिए। 6-7 घंटे हम पहाड़ों के नीचे खड़े हैं जहाँ लैंड स्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा खतरा था। अब भाई मेरी बात सुनिए यार, देखिए गाड़ी खराब होना किस्मत में है,
लेकिन एक मत होती है कि पता है कि यार आप क्योंकि काफी जाने बैठी है, एक ड्राइवर नहीं बैठा, ड्राइवर की फैमिली भी है, हमारे भी फैमिली है, इस तरह नहीं होता। अब उसी मत का होइए भाई, इसके चाहिए कि कंपनी के चेक बैकअप भेजिए ना, उसने हमारे काले उठाई है और नंबर हमारे ब्लॉक कर दिए। चलो इसने हमें वादा किया था कि दूसरी देंगे, ये घटिया सी गाड़ी लेके आए कोस्टर, यहाँ की लोकल से गाड़ी भेजी हमारे हमारे लिए। अब भला अब हम जा रहे हैं हुंदा तो आगे थे रात को, अब हम जा रहे हैं चाइना बॉर्डर। तो रात को मैं व्लॉग इसलिए दोबारा कंटिन्यू नहीं कर सका क्योंकि मोबाइल भी बंद हो गया था, रास्ते भी वैसे थे, सिग्नल नहीं आ रहे थे। तो जब घर आए इधर आए होटल में आके खाना खा के सो गए थे मोबाइल चार्ज लगा के। तो इंशाल्लाह आपको चाइना बॉर्डर लेके चलते हैं। अच्छा भाई जान, अगर आपने आना है तो आप इधर रात में हिंसा में हैं, ये शकर का इलाका है, रात को बहुत ठंड होती है और बहुत ही अच्छा मौसम होता है। ये अल्लाह की एक ऐसी कुदरत है कि आप चेक करें कि बिल्कुल हम गुलाई के अंदर बैठे पा रहे हैं। बहुत प्यारा हुंजा, बहुत प्यारा भाई हुंजा, लाजमी आओ, जो आएगा हुंजा लाजमी आए। तो हम आगे खुंजरा पास चाइना बॉर्डर, पूरा व्यू ले रहे हैं। क्या व्यू है भाई, मुतालिया पाकिस्तान का अंदर देखा था हमने, ये आज हकीकत में देख रहे हैं, काश कर नजर है भाई। और मगी चाय पिया भाई, सांस का मसला बढ़ रहा है मुझे तो। हाँ सांस का इशू है, यहाँ उसका सांस चढ़ता है वो ना है। एटीएम वर्ल्ड हाईएस्ट एटीएम। ओसामा भाई यार तुम एटीएम मारो, दिल ना ले के इधर भाई, 10-20 मिनट जाना है, रुक जा इंशाल्लाह। हां भाई बर्फबारी अभी इतनी बर्फबारी का शोर है। हाँ भाई कैसा व्यू है? बहुत अच्छा व्यू है, सांस का मसला है, सांस का बहुत मसला है। देखे नाजरीन आगे बहुत रश है, लोगों की भीड़ काफी है, आगे जाके दिखाते हैं। हाँ जी तो करीब से है ऐसा है? सीन्स कुछ ऐसे है भाई, कैसे सीन है वैसे है? व्यू तो बहुत अच्छा आ रहा है गुलू भाई, जी ये बैग भी आप देख रहे होंगे चाइना बॉर्डर का, क्योंकि हम जा रहे हैं उधर बर्फ पे एंजॉय करने के लिए। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हो गए पागल तेरी यादों में हम। भाई हमें ये गाना क्यों नहीं आता भाई? भाई सीजन कमी है, सीजन ज्यादा गाना नहीं गाना ठीक है, वहाँ बर्फ में जा खेलना है, वहाँ जिंदगी का ख्वाब पूरा हो जाएगा भाई। भाई जिंदगी में सोचता था बर्फ के साथ खेलूंगा, आज इतनी खुशी, इतनी खुशी आज तक नहीं, इतनी खुशी मुझे पैदा होने में नहीं। ठीक हैवी सीन्स कुछ इस तरह से हैं। ओह बाबे ओ मैं तो कह रहा हूँ सब आओ तो घर से ज्यादा नहीं, मेरे चोरी चुपे आ जाए, जैसे हम आए हैं, जैसे हम आए हैं। अब्बू कहता है, और अब्बू कहता है आ जा, और पहाड़ों में घूमेगा, और मैं कहता नहीं जी, और पाक चाइना बॉर्डर क्रॉस कर जाना है। सांस जर था भाई, सांस ही ऑक्सीजन कमी है इधर भाई, हमारी फिजियो फिटनेस से नहीं। हाँ पूरा हो गया बर्फ का, तामा का भी हो गया, तेरा भी हो गया, नहीं मेरा भी हो गया, आपका हो गया।
चला मैं कांधे पे ओए ना भाई ना भाई लगती है भारी है ये माशाल्लाह भाई सब लोग लाभ नहीं हुए मैं तो कह रहा हूँ भाई जिंदगी में एक दफा अल्लाह खैर। तो जी आधा पौना घंटा हो गया हम इधर है अब सामान का थोड़ा ज्यादा शोर है तो हम जा रहे हैं वापिस आताबाद लेक अब जा रहे हैं भाई और भी रास्ता था ना क्या कौन सा पॉइंट है वो है हुसैनी ब्रिज है वो एक और भी है यार वो जो कह रहे थे सुबोधा वाले नहीं नहीं वो तो यही है तीन पॉइंट ही थे आज की वो अब बस से खड़ी नहीं अल्लाह लगा के पहुंचना पड़ेगा अल्लाह खैर तो यहाँ तो ऐसा लगता है यहाँ जैसे ना बर्फ की कोई चादर ऊपर रखी हुई है पहाड़ों के ऊपर हैवी सीजन फुल ऑन जी बस के करीब पहुंच गए हैं हमारे तरफ तरफ देख रहे हैं इस बाइक देख लो बर्फ कम थी यार लेकिन मजा आ गया व्यू देख ऐसा बर्फ उधर जा नहीं सकता हाँ अभी वो फेंसिंग लगी हुई ना क्रॉसिंग है पाकिस्तान और चाइना की तो अभी गाड़ी में आ गए गाड़ी तरफ आताबाद ले जा रहे हैं में फिर रात को बारबेक्यू नाइट भी हुआ सुबह उठे थे लेट 12 बजे निकले थे सिर्फ गए हैं चाहे पाक चाइना बॉर्डर तो अत्ताबाद लेक रह गया क्योंकि लाइट कम थी अंधेरा हो गया था तो इंशाल्लाह सुबह का प्लान अगर हुआ तो ठीक है वरना मुश्किल ही है क्योंकि टूर वाले नहीं मुश्किल ही लेके जाएंगे क्योंकि पॉइंट ज़्यादा हो जाए तो मुश्किल ही होता लेके जाए तो खैर हम अत्ताबाद लेक तो नहीं जा सके लेकिन हम करीमाबाद बाजार गए थे बहुत ही पुराना और खूबसूरत बाजार था बहुत ही यानी कि अभी तक उसमें रश था तो वहां से होके आए हैं लेकिन वो पॉइंट हमारा लाताबा लेक वाला ना वो ज़्यादा हुआ है वो हमारा जो गाइड है वो कह रहा है कि आपको सुबह लेके जाएंगे लेकिन मुझे तो उम्मीद नजर नहीं आती बहरहाल सुबह इंशाल्लाह अगर ना गए तो सुबह हम निकलेंगे नारायण की तरफ नारायण हमारा एक दिन का स्टे है तो आज हमारा व्लॉग होता है यही एंड अगले व्लॉग में मुलाकात होगी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।